23 अगस्त 2023 भारत का चंद्रयान 3 मून पर लैंड हुआ। तब भारत मून के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाता है। आज कई देश स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं, लेकिन इस स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत होती है एक वॉर से, द कोल्ड वॉर। 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई, ठीक उसी समय यूएस और यूएसएसआर के मध्य शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। ये दोनों देश सुपर पावर की होड़ में लग जाते हैं और यहीं से स्पेस रेस की शुरुआत होती है। स्पेस रेस की इस होड़ में जीत होती है यूएसएसआर की, जब 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन पहले अंतरिक्ष यात्री बनकर पूरे विश्व को अचंभित कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, गागरिन एक ऐसी यात्रा में जा रहे थे जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। आज तक वो जगह किसी ने नहीं देखी थी। वे एक ऐसे यान में जा रहे थे जिसमें इमरजेंसी रेस्क्यू सिस्टम ही नहीं था। लेकिन इस यात्रा से कई प्रश्नों के उत्तर भी मिलने थे। क्या मनुष्य अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है? क्या अंतरिक्ष यान से स्पेस की यात्रा संभव है? क्या अंतरिक्ष यान अर्थ से कॉन्टेक्ट में रहेगा? और अगर रहेगा तो ये कॉन्टेक्ट कितना इफेक्टिव रहेगा? और क्या अंतरिक्ष यान की सुरक्षित वापसी हो पाएगी या नहीं? लेकिन इस यात्रा के बाद इन सभी सवालों के जवाब मिले और साथ ही कुछ अनजाने सवालों के जवाब भी मिले। साल 1955 में यूरी अलेक्सीयेविच गागरिन रशिया के ओरेनबर्ग के एयरफोर्स पायलट स्कूल में सेलेक्ट होते हैं, जहां से इनकी ट्रेनिंग YAK-18 और MiG-15 जैसे फाइटर प्लेन के साथ शुरू होती है। फिर 1957 में लगभग 166 आवर्स के फ्लाइंग एक्सपीरियंस के साथ एज अ फाइटर पायलट ग्रेजुएट होते हैं और 5 नवंबर 1957 को सोवियत एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट के पद पर इनका चयन हो जाता है। ये वही साल था जब अक्टूबर 1957 को सोवियत यूनियन द्वारा पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया जाता है और स्पेस रेस की शुरुआत हो जाती है। अमेरिका सांस भी नहीं ले पाता है और अगले ही महीने 3 नवंबर 1957 को सोवियत यूनियन स्पुतनिक 2 लॉन्च कर देता है, जिसमें लाइका नाम के डॉग को स्पेस में भेज दिया जाता है। फिर 1959 को यूएसएसआर 3 मून मिशन लॉन्च करता है, लूना 1, लूना 2, लूना 3। यानी स्पेस रेस में सोवियत यूनियन अमेरिका से बहुत आगे निकल जाता है। ठीक इसी साल 1959 में लूना 3 की लॉन्चिंग के बाद यूरी गागरिन अगले स्पेस प्रोग्राम के लिए अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसके बाद मॉस्को के सेंट्रल एविएशन साइंटिफिक रिसर्च हॉस्पिटल में उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। ये टेस्ट एक कमेटी लेती है जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि पायलट की एज 25-30 वर्ष के बीच हो, उनका वेट 72 किलोग्राम से कम होना चाहिए, साथ ही हाइट 5 फीट 7 इंच से कम होनी चाहिए। गागरिन 5 फीट 2 इंच के थे। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि वोस्टोक 1, जो कि वही स्पेसक्राफ्ट था जो इंसानों को स्पेस पर ले जाने के लिए बनाया गया था, उसके अंदर जगह काफी कम थी। वोस्टोक 1 एक स्फेरिकल मॉड्यूल था जिसका मास 2.46 टन्स और डायमीटर 2.3 मीटर था। इसकी लंबाई 2.25 मीटर और चौड़ाई 2.43 मीटर थी, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह थी। गागरिन के जैसे कुल 154 पायलट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और इन्हें नाम दिया जाता है कॉस्मोनॉट्स। बाद में सोवियत गवर्नमेंट इनमें से 20 कॉस्मोनॉट्स को ही अप्रूव करती है। इनकी ट्रेनिंग मॉस्को के खोडियंका एयरफील्ड में 15 मार्च 1960 से शुरू होती है। इस ट्रेनिंग में गागरिन के ऊपर कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन स्टारवेशन, जिसमें गागरिन को एक चैम्बर के अंदर बंद कर दिया जाता है और उसमें एयर को धीरे धीरे पंप आउट किया जाता है। इसके अलावा उन्हें जी फोर्सेस के एक्सपीरियंस के लिए भी ट्रेन किया जाता है। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, पैराशूट जंपिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि वोस्टोक में अर्थ वापस आते समय लैंडिंग पैराशूट के थ्रू ही होनी थी। उस समय वोस्टोक के अर्थ पर सेफ लैंडिंग पॉसिबल नहीं थी, इसलिए वोस्टोक के मैकेनिज्म में इजेक्शन सीट बिल्ड की गई, यानी कि जब वोस्टोक अर्थ में री एंट्री करेगा तब कॉस्मोनॉट हाई अल्टीट्यूड पर खुद को उस कैप्सूल से इजेक्ट कर लेंगे और पैराशूट के थ्रू अर्थ पर लैंड कर लेंगे। इस प्रकार ट्रेनिंग के कई स्टेजेस के बाद
8 अप्रैल 1961 को ये डिसाइड होता है कि यूरी गागरिन इस मिशन को लीड करेंगे और उनके बैकअप के लिए रखा जाता है एक दूसरे कॉस्मोनॉट को जिनका नाम था गेरमैन टिटूव। बैकअप इसलिए रखा गया क्योंकि यदि लिफ्ट ऑफ के पहले गागरिन की तबीयत खराब हो जाती है तो गेरमैन टिटूव को स्पेस में भेजा जाएगा। फिर आता है 12 अप्रैल 1961 का वो आइकॉनिक डे जहां से स्पेस एज की शुरुआत होती है। सुबह 6:07 पर वोस्टोक 3K3 यानी कि वोस्टोक 1 को कजाकिस्तान के बायकोनर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया जाता है। लॉन्चिंग के कई स्टेजेस के बाद वोस्टोक गागरिन को लेकर अर्थ के आउटर स्पेस में 327 किलोमीटर की दूरी पर ऑर्बिट करने लगता है। गागरिन का स्पेसशिप 108 मिनट में अर्थ का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। तब इस स्पेसशिप की स्पीड 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस बीच उन्होंने कई चैलेंजेस भी एक्सपीरियंस किए। सबसे पहले तो ये कि वो अपने स्पेसशिप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे, ये पूरी कंट्रोलिंग अर्थ से ही की जा रही थी। दूसरा, इंसान ने पहली बार वेटलेसनेस को एक्सपीरियंस किया। तीसरा, सबसे बड़ा चैलेंज था कम्युनिकेशन, यानी अर्थ से यदि कम्युनिकेशन ब्रेक होता है तो ये पूरा का पूरा मिशन ही फेल हो जाता। और इस मिशन का सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट हिस्सा लैंडिंग। जब वोस्टोक अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तब 7000 मीटर की ऊंचाई पर गागरिन को इजेक्शन सीट के थ्रू उस कैप्सूल से बाहर निकलना था और फिर पैराशूट के थ्रू अर्थ पर लैंड करना था। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ और इसी दिन यानी 12 अप्रैल 1961 को 10:55 पर यूरी गागरिन अर्थ पर सुरक्षित रूप से लैंड कर जाते हैं। गागरिन सोवियत यूनियन के सराटोव रीजन में पैराशूट से लैंड करते हैं जहां कुछ फार्मर्स उनके स्पेस शूट को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस फ्लाइट के बाद गागरिन एक इंटरनेशनल हीरो बन जाते हैं। कई देश उन्हें अपने यहां आने के लिए इनविटेशन भेजते हैं लेकिन रशिया की इस जीत से बौखलाया अमेरिका कभी भी गागरिन को अमेरिका नहीं बुलाता है। अपनी फ्लाइट के दौरान गागरिन ने कहा था कि अर्थ इज ब्लू।